हेलो नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पे जानकारी देनी मेरी हॉबी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये है टाटा की हैरियर और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है 2022 का। तो ऑटोमेटिक का क्या क्या बेनिफिट होता है और ट्रैफिक में ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, तो मैं आपको एक एक करके सारी की सारी डिटेल बताऊँगा। जो लोग वीडियो पर नए आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसे ही मैं वीडियो डालूं, वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसी टाइम उसको देख लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा की हैरियर की लाइटिंग की। देख सकते हो आपके सामने लाइटिंग के साथ साथ जो नई वाली हैरियर की ग्रिल है ये चेंज कर दी गई है। पहले थोड़ी अलग आती थी और मेन बात बताऊँ टाटा हैरियर में मैं बहुत सारे कलर देखने को मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, मैनुअल भी मिल जाता है और यूज पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है। बहुत बड़ी पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें इसकी टायर साइज़ की तो 235/65R 17 इंचिस के एलॉय देखने को मिल जाते हैं। अगर आप बाद में बड़े एलॉय डलाना चाहो तो बड़े भी डल जाते हैं और ट्यूबलेस टायर आते हैं, आपको पता ही है ये वाली बात। अब हम आगे बढ़ेंगे गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी दे दी गई है गाड़ी की। वैसे तो टाटा की सारी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है, लेकिन हैरियर की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी दे दी गई है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर फंक्शन की, तो ऑल पावर विंडो देखने को मिल जाते हैं और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है और स्टीयरिंग पे हमें सारे के सारे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हो आप लोग। और इंटीरियर बहुत प्यारा है भाई, हैरियर का इंटीरियर बहुत प्यारा है। और लेग रूम की बात करें, पीछे जो लाइट है, जो हैरियर की पीछे वाली लाइट है, बूट स्पेस भी बहुत बड़ा है। बूट स्पेस भी मैं आपको एक बार खोल के दिखाऊंगा, बहुत बड़ा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। लगभग 425 लीटर का बूट स्पेस है, तो देख सकते हो आप लोग बहुत बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो। और ये डीजल और पेट्रोल दोनों वेरियंट में अवेलेबल है और 2000 cc का इंजन देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। अब हम बात करेंगे इसके की फीचर हैं जो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके, देख सकते हो। लाइटिंग मैं आपको एक बार पीछे से ज़रूर दिखाना चाहूँगा, पास में बहुत अच्छी लाइटिंग देखने को मिल जाती है, आगे की तो आगे की और पीछे की भी। एक और अच्छा फीचर है, वो भी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊँगा, जो इसका डैशबोर्ड है जहाँ पर आर्म रेस्ट है वहाँ पर हमें चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, 2 USB और 1 12 वोल्ट का चार्जर आप आसानी से लगा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है। और जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई टाटा हैरियर लेनी चाहिए या नहीं, या फिर टाटा सफारी की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। देख सकते हो यहाँ पे बूट स्पेस खोलता हूँ मैं। बूट स्पेस के साथ साथ जो लाइट है इसकी बॉडी के साथ साथ बूट स्पेस का जो डोर है डिग्गी में भी इनबिल्ट है, तो इससे लाइट की लेंथ बढ़ जाती है और ज़्यादा अच्छी लगती है लाइट, देख सकते हो आप लोग। हम इसके अंदर चलेंगे एक बार, मैं आपको अंदर लेके चलूँगा हैरियर के। यहाँ पे हैरियर की ब्रांडिंग और ऊपर जो है शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। काफ़ी गाड़ियों में देखा होगा आपने एक सीधा सा एंटीना देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें हमें शार्क फिन एंटीना और अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है लेदर से, जो एकदम मतलब लेदर की कोटिंग है, बहुत बढ़िया क्वालिटी दे दी गई है आप यहाँ पर। और स्पेस भर भर के स्पेस दे दी गई है इस गाड़ी के अंदर। ये देख सकते हो ऑटोमेटिक में हमें रेस और ब्रेक दो ही चीज़ देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे स्टीयरिंग पे हमें सेफ्टी के पर्पज़ से एयरबैग देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में, 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं। जिस हिसाब से आप वेरियंट लोगे, 2 फिर 4 फिर 6, जिस हिसाब से आप पैसे डालते रहोगे वेरियंट लोगे, उस हिसाब से आपको एयरबैग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन, कॉल पिक करनी है या फिर काटनी है, उनके ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। स्पीडोमीटर हमें फुल्ली डिजिटल देखने को मिल जाता है, जो अभी टाटा की ज़्यादातर गाड़ियों में हमें फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर ही देखने को मिल जाता है। मेन बात करेंगे गाड़ी के माइलेज की, तो माइलेज गाड़ी बहुत बढ़िया दे देती है, लगभग 17 से 18 तक का माइलेज दे देती है अगर आप ऑन एन एवरेज स्पीड पर गाड़ी को चलाते हो। और यहाँ पर हमें क्रूज सेट और अनलॉक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लॉक और अनलॉक। जैसे आपकी गाड़ी क्रूज मोड पे 70 पे चल रही है और आप उसको अनलॉक करना चाहो तो वहीं से कर सकते हो, या फिर जैसे ही आप रेस पे दोबारा से पैर रखोगे आपका क्रूज मोड हट जाएगा। और यहाँ पे मैं देख सकते हो पार्किंग का सिस्टम देखने को मिल जाता है, पार्किंग और यहाँ पे ऑफ रोड, और देख सकते हो ऑफ रोड, और जैसे आप किसी पहाड़ी वगैरह पर चढ़ा रहे हो गाड़ी को तो हील मोड और मड मोड, अगर आप गाड़ी को मिट्टी में चला रहे हो
तो ये मोड भी देखने को मिल जाते हैं। वैसे गाड़ी में इको मोड और पावर मोड तो ये छोटी छोटी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन इसमें हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई, आप इसको ऑन रोड चलाओ या फिर ऑफ रोड चलाओ, गाड़ी हैरियर बहुत ज़बरदस्त है और बहुत पावरफुल है। इसमें हमें देखो सीट है, जो सीट है इसकी जो एयर वेंटिलेटेड सीट है, आप इसका टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, मतलब सीट में से भी हवा आती है। हाँ, आपने सही सुना, जो इनके टॉप मोस्ट वेरिएंट है, इनकी सीट आप अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हो कि आपको ये जो मैं बोल रहा था बेस्ट फीचर है। यहाँ पे आर्मरेस्ट के जस्ट नीचे हमें एक 12 वोल्ट का चार्जर और दो यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, और देख सकते हो ह्यूज पैनारोमिक सनरूफ, भाई बहुत बड़ी सनरूफ है जिससे दो तीन लोग आसानी से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ से आप सनरूफ खोल सकते हो और बंद कर सकते हो आसानी से। और यहाँ पे लाइटिंग देखने को मिल जाती है, लाइटिंग तो पूरी गाड़ी की बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। मैक्सिमम पावर की बात करेंगे हम तो ये मैक्सिमम पावर 167 bhp जनरेट कर देती है, भाई बहुत बढ़िया है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें 350 Nm और 350 Nm सॉरी, तो ये इतनी पावर जनरेट कर देती है, दो लोग आगे और तीन लोग पीछे, इतनी स्पेस अच्छे से है गाड़ी के अंदर, देख सकते हो। और यहाँ पे आपको ना सीट आप 3 टाइप से एडजस्ट कर सकते हो, सॉरी 6 टाइप से, एक आगे पीछे ऊपर नीचे और थोड़ा सा आगे पीछे, जो मैं बैक की बात कर रहा हूँ। देख सकते हो, मैं आपको सेट करके भी दिखा रहा हूँ, ये हो गया और ये ऑटोमेटिक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो आपको जल्दी जल्दी करनी हो तो आसानी से हो जाती है। और आप इस पर मतलब अपने तरीके से सेट करके छोड़ सकते हो और ये अच्छे अच्छे फीचर में आ जाता है। और ये हमें जो इनके टॉप मोस्ट वेरिएंट है उनमें ही देखने को मिलता है, जो इनके थोड़े कम वाले वेरिएंट है उनमें देखने को नहीं मिलता ये वाला फीचर। अब हम बात करेंगे इसमें लेग रूम की, तो लेग रूम बहुत अच्छा है, मतलब ओवरऑल 5 लोग बैठ जाते हैं और फिर पीछे हमें स्पेस देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। आपको टाटा हैरियर कौन से कलर में अच्छी लगती है हमें नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका जो ब्लैक कलर है वो काफ़ी अच्छा है और उसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। लेग रूम की बात कर रहा हूँ, देख सकते हो सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, लेकिन लेग रूम बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। और पीछे भी हमें चार्जिंग की सुविधा देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, स्पेस बहुत अच्छी है, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई छोटी मोटी गाड़ी में बैठे हो, बल्कि आपको अंदर से जो लग्जरी फील दे दी गई है गाड़ी में, मतलब म्यूजिक से लेके बात करो, इन्फोटेनमेंट, JBL और हरमन, इतने बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। इसमें JBL का है, लेकिन जो टाटा की टियागो और टैगोर आती हैं उनमें हमें हरमन का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हर सीट पे हमें एक एक लाइट देखने को मिल जाती है, जिससे आप अगर आपको काम है पर्सनली तो आप अपनी लाइट ऑन करके अपना काम कर सकते हो। इसमें हम बात करें टाटा की, तो टाटा ने छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया है, देख सकते हो आप लोग। और बीच में हमें एक आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपने दो बोतल कैन या फिर दो बोतल पानी आसानी से रख सकते हो या फिर दो गिलास। और यहाँ पे सीट की बिल्ड क्वालिटी बात करें तो प्योर लेदर की और अच्छी सीट की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और बात करेंगे अब हम इसका बूट स्पेस, मैं आपको ज़रूर खोल के दिखाऊंगा। और बूट स्पेस ये हमें स्मार्ट की से लॉक और अनलॉक हो जाता है, 425 लीटर का यूज बूट स्पेस, भाई बहुत अच्छा, आप इसमें सामान आसानी से रख सकते हो। और नीचे हमें यहाँ पे एक स्पेयर टायर और जैक वगैरह और रिंच पाना सब कुछ देखने को मिल जाता है, कंपनी की तरफ से पहले से ही आता है, तो जब भी आप गाड़ी वगैरह लें तो सारी चीज़ चेक वगैरह ज़रूर कर लें। अब हम बात करेंगे प्राइस की, कि हैरियर की प्राइस क्या है करंट में, तो करंट जो प्राइस चल रही है इसकी 15 लाख से लेके 21-22 लाख तक अलग अलग टॉप मोस्ट वेरिएंट चला जाता है। अब मैं ये देख सकते हो सार्क फिन एंटीना है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ऑटोमेटिक का आपने स्टार्टिंग में बेनिफिट बताया था क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा ऑटोमेटिक का बेनिफिट ये है, जैसे आप ट्रैफिक में फंसे हो तो ट्रैफिक में ऑटोमेटिक बहुत अच्छा काम करता है, आपको सिर्फ हल्की हल्की रेस देनी है और गाड़ी आपकी आगे चलती रहेगी, जैसे आप ज़्यादा रेस दोगे तो अपने आप गियर शिफ्ट हो जाएगा और गाड़ी मतलब आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैनुअल है, मैनुअल में हमें बार बार गियर चेंज करना पड़ता है। ये मैं आपको लाइटें ऑन और ऑफ करके दिखा रहा हूँ, ये स्मार्ट की का फीचर है, स्मार्ट की आती है आजकल तो वैसे सारी गाड़ियों में आ रही है, लेकिन ये बहुत अच्छा फीचर है। आप यहीं से इंडिकेटर ऑन कर सकते हो और लाइटें ऑन और ऑफ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
टेक केयर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। जैसे ही मैं वीडियो डालूं, वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसी टाइम उसको देख लो। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी गाड़ी की चाहिए, कौन सी बाइक की चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊँगा। धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए।